सारे भाइयों को हर तरीके की छोटी से छोटी समस्या की जानकारी रहे, सिर्फ इसीलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं ताकि। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल में बाइक करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। आज तारीख हो गई है भाई 1 मार्च 2024, टाइम है दोपहर के 2:30 और मैं खड़ा हूं अब एक सांपला टाउन है रोहतक में वहां पे। तो भाई जो आपके सामने आने का जो अभी मेरा मेन मकसद जो है एक थोड़ा सा सावधान करना है आपको, सूचना देनी है आपको एक किसी टॉपिक के बारे में। शायद ही इस बारे में कोई वीडियो अभी तक किसी भी यूट्यूबर भाई ने बनाया हो, मगर मुझे लगता है कि इसके बारे में भी ड्राइवर भाई को पता होना चाहिए कि इस तरीके की समस्या भी आती है। आप भी सोच रहे हो यार रोज किसी न किसी समस्या का वीडियो ही भाई डाल रहा है आजकल, तो भाई समस्याओं के बारे में ही सचेत किया जाएगा ना तो बेहतर है, क्योंकि जो अच्छा समय है और अच्छी चीजें हैं वो तो आपको सबको बेहतर लगेंगी लगेंगी, और अच्छी चीज तो अच्छी ही होती है, मगर थोड़ी सी जो समस्या के विषय हैं उसके बारे में बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हम जब भी किसी भी लाइन में जाते हैं ना, उस लाइन की सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं, बुराइयों की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता, और उसमें थोड़ी बहुत जो भी कमी है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। अगर पता भी चलता है तो उसको भाई इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने तो उस लाइन में जाना है। तो भाई इस टैक्सी लाइन में एक समस्या और जो कि मेरे सामने आई है, और बहुत दिन से मेरे को पता है इस बारे में तो, मगर वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाया था इस बारे में, तो आज इसी बारे में बात करेंगे भाई। ये इश्यू आता है जो भी छोटे शहर हैं या बड़े शहर भी मान लो, मगर बड़े शहर में ये इश्यू है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, और क्योंकि बड़े शहर में ऐसा मैंने ना तो सुना है और ना ही मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है, मगर हाँ छोटे शहर में जरूर ये समस्या है। जो भी छोटे शहर हैं, मान लीजिए पंजाब के ही शहर हैं, हरियाणा के शहर हैं, उत्तराखंड के शहर हैं, उत्तर प्रदेश के शहर हैं, और यहाँ तक कि राजस्थान के शहरों में भी इस तरीके की समस्या सामने आई है। और जो कि भाई ये है वो समस्या, मान लीजिए आप वन वे लेके गए हैं दिल्ली से लुधियाना, और जाहिर सी बात है भाई वन वे के भाड़े में तो काम नहीं चलने वाला है ड्राइवर भाई का, उधर से भी कोई ना कोई अपना इंतजाम देखना पड़ता है। अगर ऑनलाइन कोई बुकिंग आ जाती है या कोई एजेंट आपको बुकिंग दे देता है तो वारे न्यारे, मगर जब इन दोनों वे में आपको बुकिंग नहीं मिलती है तो आप चाहते हैं भाई कोई वैसे पैसेंजर बैठा लिए जाएं ताकि जो खर्चे हैं वो कम हो जाएं, टोल जो लगेगा कम से कम उसका पैसा आ जाए, सीएनजी है उसका पैसा आ जाएगा। तो आप ऐसे में क्या करते हैं, या तो पहुँचते हैं जाहिर सी बात है भाई रेलवे स्टेशन पर, या पहुँचते हैं बस स्टैंड पर। तो जो सबसे बड़ी समस्या आती है ना वो यहीं आती है, हर शहर में हर छोटे शहर में हर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे होती है यूनियन। यूनियन में वो अपनी खुद की गाड़ियां लगाते हैं, प्राइवेट भी हैं उसमें, कमर्शियल भी हैं, जो भी ड्राइवर भाई हैं काम वो भी हमारे वाला ही कर रहे हैं, मगर उनका फिर ये रहता है जैसे वहां से लोकल गाड़ी के अलावा कोई भी बंदा सवारी बैठा के ना ले जाए। तो इस तरीके की एक समस्या सामने आती है भाई, अगर आप लोग इस समस्या में फंस चुके हैं तो जरूर कमेंट करके बताना, और भाई मैं तो एक बार जरूर इस वाली समस्या में, एक बार क्या भाई कल भी और एक 6-7 साल पहले लुधियाना में एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ था, जबकि मेरे पास वो बला बला कंपनी से पैसेंजर थे, मगर उनको भी उन्होंने वहां से भाई बैठने नहीं दिया लुधियाना बस स्टैंड से। और कल जो भिवानी की बुकिंग थी उसमें पैसेंजर के साथ कोई इश्यू नहीं आया उनका, सिर्फ मैंने जाके भाई वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी बस स्टैंड के अपोजिट साइड, इतनी देर में दो भाई आ जाते हैं, बोला हाँ भाई साहब पैसेंजर नहीं लेके जाने यहाँ से, मगर भाई मेरा कोई रोल ही नहीं है, पैसेंजर कंपनी से गाड़ी बुक की हुई है पैसेंजर ने, आप उनको मना कर देना मैं खाली चला जाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है उनको रोकना बैठने से। मगर उन्होंने पैसेंजर ने कंपनी से बुक किया हुआ था गाड़ी, उनको एक बस स्टैंड की लोकेशन एक आसान लग रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला भैया बस स्टैंड पे आ जाना वहीं से बैठ के चलेंगे। तो मैं कहा भाई मेरा कोई रोल नहीं है, पैसेंजर को रोक देना मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, और चाहता था मैं पैसेंजर को कॉल करके कह सकता था, जब तक पैसेंजर आए नहीं थे
अगर जी 2-4 किलोमीटर इधर उधर आ जाना, मैं वहां से ले लूंगा। तो आते हैं भाई 10 मिनट बाद पैसेंजर अपनी गाड़ी में, एक लड़की थी और उनके फादर थे भाई आर्मी मैन, दूर से ही दिखे हाँ फौजी है। तो भाई वो आई, सामान रखा, चारों तरफ घूमते रहे गाड़ी के। तो लड़की थी तो बोलने की उनकी हिम्मत हुई नहीं, जबकि मैंने बोला भी मांगा भाई देख लो अभी तो, अगर मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है तो रोक दो पैसेंजर को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला भाई ऐसे अगर होगा तो हमने तो काम ही नहीं मिलेगा, इस तरीके से बाहर से आके पैसेंजर लेके जाएंगे ड्राइवर। तो भाई वो तुम्हारी समस्या है यार, मेरा तो कोई रोल नहीं, मुझे तो वैसे अगर मैं यहाँ से सवारी भर रहा हूँ तो आप 50 बार कह सकते हो। तो भाई एक ये समस्या भी आती है, इस तरीके से बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से अगर हम पिकअप करते हैं तो वहाँ की यूनियन से समस्या सामने आपके आ सकती है। तो आपके पास ऐसे कोई पैसेंजर है तो भाई आप उनको थोड़ा सा रेलवे स्टेशन से 2-4 किलोमीटर इधर उधर बुलाया करो और वहाँ से आप बैठा के ले जाया करो। ना तो उसमें देखो क्या होता है तो हम सारे आपस में ड्राइवर भाई, कुछ ड्राइवर अच्छे रहते हैं तो कुछ भाई 19-20 भी रहते हैं, तो वो हरकत भी कर देते हैं, बदतमीजी से भी बात करते हैं इस तरीके से। तो थोड़ा सा जो ड्राइवर भाई हैं इस बारे में नहीं पता हो तो इस ऐसी समस्याओं के लिए भी भाई तैयार रहना है अपने और होशियार रहना है, ये दिक्कतें भी आती हैं। और देहरादून में तो भाई बहुत तगड़ा बवाल है, आप जोली ग्रांट एयरपोर्ट से बाहर की गाड़ी से पिकअप नहीं करने देते हो, आप बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से नहीं पिकअप करने देते हो, चाहे आपकी कैसे भी कंपनी से बुकिंग हो। यहाँ तक भी ऐसा भी सुनने में आया है, एक दो भाई ने बताया फ़ोन करके गाड़ी की चाबी ले लेते हैं और शाम को 2-4 घंटे रोकने के बाद वापस देते हैं, जो पैसेंजर बैठे होते हैं उनको भी उतार देते हैं, मगर ये बगैर कंपनी की ड्यूटी पे। आप जो खाली आने की बजाय 1-2-4 सवारी भरने की सोचते हैं तो सबसे आसान और सबसे आसानी से पैसेंजर जो है मिलते हैं बस स्टैंड पे, तो वहाँ पे इस तरीके की यूनियन एक्टिव रहती हैं, तो वहीं पे ये दिक्कत है, बाकी और कहीं पे नहीं है और बड़े शहरों में बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ छोटे शहरों में इस तरीके की समस्याएँ आपको देखने को मिलेंगी। तो भाई आप सारे भाइयों को हर तरीके की छोटी से छोटी समस्या की जानकारी रहे, सिर्फ इसीलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं ताकि कल को आपके साथ भी इस तरीके की दिक्कत आए, कम से कम आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हाँ जी ये समस्या भी आती है। तो भाई इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आ जाते हैं तो भाई शेयर कर दिया करो ताकि दूसरे भाइयों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारा नया ड्राइवर भाई हर रोज़ जुड़ता है और इस तरीके की समस्याओं में फंसता है। तो भाई वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक शेयर कमेंट, और बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए भाई वीडियो बनाया था। और अभी मैं तो हूँ अपने घर के आसपास, गांव के आसपास मैं तो अभी घर पहुँच रहा हूँ। तो मिलते हैं भाई अगले किसी और टॉपिक पे और किसी और वीडियो में, जब तक अपने भाई विक्की खत्री को दे दो इजाजत, सारे भाई ना भाई राम राम, जय हिंद जय भारत।